एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी उसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं, इसको अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी का हम आपको डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह बता चुके हैं, कुछ एग्जांपल ही बता चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे ना ग्रुप्स ऑफ साइमेट्रीज। तो साइमेट्रीज होते हैं, उसका ग्रुप कैसे बनाएंगे वह सिखाएंगे आपको बीच में। आज देखिए, लेक्चर नंबर 5 में आज पढ़ने जा रहे हैं हम वो ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज है क्या, और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम साइमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रिंगल। साइमेट्रीज ऑफ है इक्विलेटरल ट्रिंगल। तो कहता है द अलजेब्रा ऑफ साइमेट्रीज है ना, या तो रोटेशन होगा एंड रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन दो पार्ट होता है इसमें। अब दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि रोटेशन क्या हुआ और रिफ्लेक्शन क्या हुआ। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉर द रिजिड मोशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रिंगल हो, स्क्वायर हो एंड रेगुलर पेंटागोन है ना, सेपरेटली इन टर्म ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन के कहने मतलब कि आप प्रमोट करना, हम लोग कितना तरह से प्रमोट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रिंगल को, कितना तरह से प्रमोट कर सकते हैं स्क्वायर को, कितना तरह से प्रमोट कर सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन पेंटागोन को है ना, तो आज सीखेंगे हम लोग। और प्रमोट करते हैं एंड वी प्रूव दैट दीज साइमेट्रीज फॉर्म ए ग्रुप, मैंने जैसे ही प्रमोट करेंगे एक सेट तैयार हो जाएगा है ना, और उस सेट के अंतर्गत हम लोग यह साबित करेंगे कि जो सेट तैयार है वो क्या है, ग्रुप है, मतलब ग्रुप का चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलेटरल ट्रिंगल को कैसे हम साइमेट्रिक में चेंज करते हैं। देखिए साइमेट्रिक का मीन होता है, जैसे मान लिया कि एक बोर्ड है, ये बोर्ड में जैसे मान लिया कि एक ट्रिंगल लिया जाए, एक ऐसा ट्रिंगल है इक्विलेटरल, यानी कि सभी इक्वल इसमें है ना, और एंगल जो बना रहा है वह है ना, जैसे मान लिया कि एंगल है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, यह इक्विलेटरल ट्रिंगल है ना। इसी ट्रिंगल को है ना कितना तरह से हम लोग साइमेट्रिक कर सकते हैं, जो कंट्रक्शन जो बनाया गया उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इस सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसी को हम लोग कितना तरह से चेंज कर सकते हैं, साइमेट्रिक कर सकते हैं ना, है ना, यानी कि ट्रिंगल जो रहेगा इक्विलेटरल ही रहेगा, तो कितना तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी प्रमोट कर सकते हैं, यानी परमोटेशन हो गया, यानी इसी को बोलते थे प्रमोट करना यानी परमोटेशन करना, यानी समझेंगे हम लोग। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग द सेट ऑफ साइमेट्रीज ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्रिंगल। जैसे मान लिया कि जब सब इक्वल है तो एक तो हो गया कि ये सेफ हो गया, दूसरा क्या कि इसी को है ना अगर इस तरह लिखा जाए घुमा करके, ए यहाँ हो जाए, बी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए है ना, चेंज कर जाए। जैसे मान लिया कि यहाँ वन है, वन मान लीजिए, इसको टू है, इसको थ्री, इसको मूव करके वन यहाँ हो जाए, टू यहाँ, थ्री यहाँ हो जाए है ना, तो वह भी क्या कहला तक कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रिंगल कहलाएगा है ना, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर साइमेट्रिक हो गया है ना। साइमेट्रिक का मतलब कि हम लोग एक लाइन लिए और ऊपर एक कंस्ट्रक्शन खींचे और सेम कंस्ट्रक्शन नीचे खींचेंगे है ना, और यह क्या होगा दोनों आपस में इक्वल है तो क्या है साइमेट्रिक है, क्या है आपस में साइमेट्रिक है। कहने का मतलब मेरा वही है, यहाँ साइमेट्रिक जो है यह कह रहा है कि हम इक्विलेटरल के बदले में इक्विलेटरल ट्रिंगल ही बनाएंगे, सेम वो भी रहेगा इक्विलेटरल, लेकिन केवल क्या हुआ शेप आपका चेंज रहेगा है ना, कोई लेफ्ट रहेगा तो कोई राइट रहेगा, लेकिन वो भी रहेगा इक्विलेटरल ही। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्राइब करते पहले हम
डिस्क्राइब साइमेट्री। अब यहाँ कितना साइड है, तीन साइड आपका डी थ्री, डी थ्री यानी कि एक डी वन, एक डी टू, एक डी थ्री, तीन ठो है। अब इसी को लेकर के हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। जैसे वी कंसीडर डी थ्री इक्वल टू, है ना, इतना क्वेश्चन दिया गया आपका। इससे पहला पॉइंट है कि पहला सिमेट्री क्या हुआ, ए बी सी ट्रिंगल, एकदम सेम टू सेम शेप लेते हैं ए बी सी, है ना, वो भी क्या हुआ ट्रिंगल होगा, वो भी क्या होगा सिमेट्रिक हो। जैसे आर जीरो से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है ना, यानी कि हम रोटेशन करने जा रहे हैं। रोटेशन का मतलब हो गया, है ना, कि ए से बी हुआ, बी से सी, सी से ए, ए से बी, तब क्या हुआ रोटेशन हो गया। अगर ए के स्थान पर बी हो जाए, बी के स्थान, ए बी के स्थान पर ए हो जाए और ए के स्थान पर सी हो जाए, तो क्या समझेंगे रोटेशन कर रहा है, यानी आर जीरो यानी कोई रोटेशन नहीं कर रहा, यानी रोटेशन किसमें जब भी करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है थ्रू एन एंगल, एंगल कितना जीरो, यानी कि आर जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रिंगल जो लिया गया था आपका ए बी सी, है ना, एक और इसका एक और ट्रिंगल लिया गया, वो दोनों क्या है सेम शेप में लिया गया, ए बी और सी शेप सेम रहेगा, इसको बोलेंगे आर जीरो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। याद रखिएगा आर जीरो में या आर 360 में भी, है ना, सेम टू सेम आता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है, तो क्योंकि आर जीरो कहने का मतलब है कि रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल क्या है जीरो, जीरो मतलब क्या अपने ही स्थान पर है, वो स्टार्टिंग स्थान पर, इनिशियल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन के लिए ट्रिंगल ही लिखेंगे सेम टू सेम, कोई पोजीशन आपस में चेंज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है, फिर इसमें देखते हैं कि हम लोग लेते हैं आर आर 90, आर 90 नहीं, आर 90 इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब होता है एंगल कितना 60 डिग्री होते ना, जैसे चेंज करेंगे एक स्थान दूसरा स्थान, मान लीजिए 60 डिग्री है और ये भी क्या 60 डिग्री है, तो कितना मिलाकर हो गया 120। आर 120 इक्वल टू हो गया रोटेशन रोटेशन इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एंगल कितना 120 डिग्री, तब क्या बनेगा देखिए, ए बी सी आर 120, तो शेप तैयार हो गया आपका, देखिए ए यहाँ था, कहाँ था यहाँ पर था, है ना, अब यहाँ 60 डिग्री, यहाँ क्या 60 डिग्री, यहाँ तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हुआ 120 डिग्री कर रहा था, क्या हुआ ये यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये क्या किया रोटेशन किया, क्या किया यहाँ पर रोटेशन, हम लोग जो है यह सेब को इस तरह घुमा करके फिट कर दिए गए, है ना, और जिधर भी घुमाएंगे यह तो इक्विलेटरल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, जिधर भी घुमाएंगे तो क्या हुआ सेब हमको सेम दिखाई पड़ेगा, और सब को सब क्या हुआ ये ऐसे लिखें, है ना, चाहे ऐसे लिखें, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दोनों क्या है साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक मतलब क्या दोनों एकदम सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ फीके बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, लेकिन हम यहाँ क्या है दोनों को दोनों सेम है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी जो शेप में यह है
वह शेप में है। मान लीजिए कि यह है टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, यहाँ भी क्या हो, ये भी टू, ये भी टू, ये भी क्या होगा, टू होगा। मैं जितना सेंटीमीटर मानेंगे उतना सेंटीमीटर ये भी होगा, ये भी होगा। क्लियर है? केवल हम क्या कर रहे हैं, ट्रिंगल वही है, उसको केवल रोटेट करवा दे रहे हैं, है ना। और रोटेशन करने के बाद यह क्या बन रहा है, सामेट्रिक हो जा रहा है ना। और यह साबित करेंगे कि जो रोटेशन किए हैं वह क्या एक ग्रुप है, क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बनेगा। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट चलते हैं, आर 240। इसका मतलब क्या, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एंगल 240 डिग्री। तो 240 डिग्री जैसी एंगल लीजिएगा हम लोग, तो शेप क्या बन जाएगा, पहले कितना था लिए थे हम, ए बी और सी, कितना लेना है, आर 240 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, पहले कहाँ था, है ना, कि यहाँ से यहाँ अगर किए थे रोटेट तो क्या हो गया, 120 हो गया। फिर क्या बन जाएगा, रोटेट करेगा यहाँ पर आपका, ये कहाँ से लगा, यहाँ पर, यहाँ पर 120 पर ये कहाँ आया, ऊपर से नीचे आया, फिर इसी का दुगना कितना है 240, तो कितना हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी, ए भी इक्विलेटरल एंगल है, ए भी, दोनों साइमेट्रिक, कहने का मतलब है कि दोनों में शेप में है ना, केवल घुमाया गया है वर्टेक्स को, लेकिन शेप दोनों सेम है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग एक भाषा में कि अगर एक बार और घुमाया जाए 360 पर तब क्या होगा। देखिए 360 पर घुमाते हैं हम लोग, तो फिर से मेरा वापस आर जीरो के बराबर होगा। देखिएगा आर 360 पर घुमाते हैं, है ना, तो ये ट्रिंगल जो होगा ए बी सी, फिर से वापस यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। सेम आया कि नहीं, यही चीज़ क्या था, आर जीरो के लिए था, तो कहीं आर जीरो लिया गया है, कहीं आर 360 लिया गया है, इसीलिए है ना यहाँ पर तीन ही रोटेशन होगा, तीन, क्योंकि थ्री साइड है, तीन रोटेशन होगा, एक हो जाएगा आर जीरो, एक होगा आर 120 और एक आर 240। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी लिखता है आर 1, आर 2 और आर 3, बहुत लोग ऐसे भी ऑथर लिखता है आर 1 मतलब आर 120 ले लिया डायरेक्ट, फिर आर 240 ले लिया और आर 360 ले लिया। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, तीनों इक्वल है, ऐसे ले, ऐसे ले चाहे ऐसे ले ना, हमको केवल शेप में चेंज करना है, है ना, और रोटेट करेंगे तो कितना डिग्री से रोटेट करेगा वह दिखाना है। यहाँ 120, ये 240 है ना, आप 360 दिखाइए या तो जीरो पर लाइए, फिर तो वापस मेरा हो ही आ जाएगा। इसलिए बहुत ऑथर लोग इसको यूज करता है आर 360, बहुत लोग ऑथर आर जीरो से यूज करता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आपको इच्छा लगे उसी को यूज करेंगे। केवल हमको दिखाना है और सेटिस्फाइव करवाना है ना, कि जो लिया गया वो टर्म है वह ग्रुप है। ये था केवल रोटेशन, अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है वह दिखाने की कोशिश करेंगे आपको हम, इसी का रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्शन में लिख लीजिए चौथा पॉइंट कि एफ ए का मतलब हो गया कि फ्लिप अबाउट द लाइन
अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, इसलिए यहाँ लिया गया पॉइंट ए से लिया गया, इसलिए एफ है पॉइंट ए एंड मिडिल टर्म जो है डी ऑफ बी सी। इससे कहने का मतलब है एफ ए का मतलब हो गया यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ट्रिंगल बनाए हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले कितना था, ए था बी था और सी था, है ना। यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लिया गया यहाँ पर डी, किसका, बी सी का। अब यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर देगा, क्या करेगा रिफ्लेक्शन, यानी कि जो बी था वह सी हो जाएगा, जो सी था वह बी, दोनों का पोजिशन क्या हुआ चेंज कर जाएगा यहाँ पर। तब हमको इसको क्या बोलते हैं एफ ए, है ना, चाहे आर ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी का कोई बाउंड्री नहीं है, जो आपको लगे, है ना, केवल समझना है। कितना हो गया ए, अब चेंज कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा बी के स्थान पर, यही से कर रहा है, क्या बोल रहा है फ्लिप अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ए पॉइंट जन का है मिडिल पॉइंट किसका बी सी का, है ना, अब इसी पर चेंज करना आपको, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा सी, यहाँ क्या हो जाएगा बी, बन गया। अब कुछ था ना इसमें, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं कि दिस फ्लिप इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन, द लाइन किसके अबाउट ए डी, ए डी के अबाउट क्या कर रहा है रिफ्लेक्स कर रहा है, मैंने बी के स्थान पर सी हो गया, सी के स्थान पर बी हो गया ना, तो क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया आपका। ऐसे पहले क्या पढ़ रहे थे एंगल के थ्रू ट्रांसफर पढ़ रहे थे ना। चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर देखिए, एफ बी, एफ बी का मतलब हो गया कि फ्लिप अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ए एंड मिडिल टर्म मान लेते हैं किसका डी मई ऑफ किसका, अब ट्रिंगल लेके दिखाते हैं आपको। इसे मान लेते हैं कि ये पहले से कितना था, पहले ट्रिंगल था ए बी और सी, बी के थ्रू करना है, बी के थ्रू क्या होगा यह होगा, और इसको मान लीजिए कितना ई, अब किसका है एसी का है, ऑफ एसी, एसी का हो गया, पहले फीगर बना के भी लिख सकते हैं ना, तो केवल फीगर भी दिखा दीजिएगा, समझ गई, समझने के दिखाया गया आपको ना क्या किए हम लोग, नहीं तो अब फिगर ही मेन आपका एग्जाम हो गया, इससे मेन तो फिगर ही है। अब इसको क्या किया गया है एफ बी लिया गया है, एफ बी का मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया यह ए के स्थान पर सी हो जाएगा और सी के स्थान पर ए होगा, यह आपका आपस में है ना रिफ्लेक्स करेगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा ए, आई बी अपने स्थान पर रहेगा, बी में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि आप अब इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए कॉल्ड रिफ्लेक्शन, किसके अबाउट है ना, ज्वाइनिंग कर रहा किसके बी से, है ना, ई क्या है दोनों का मिडिल टर्म है ना, तो मिडिल टर्म यानी कि ए सी को आप आपस में क्या करेगा रिफ्लेक्स करेगा, इसीलिए नाम पड़ गया है ना रिफ्लेक्शन। और इसके पहले क्या था रोटेशन था, तो लिख देता है दिस इज ए कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दिस इज ए कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट किसका बी ई, दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट बी ई। अब इसी में लेते हैं
एक और बच गया आपका एफ सी, इसमें होता है फिलिप, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पॉइंट, यहाँ बी देखिए बी है ना, बी पे किए थे, अब किस पे करेंगे सी पर, ज्वाइनिंग द पॉइंट सी लिए है ना, बी ए ए लेंगे तो यहाँ ए लिखेंगे, बी लेंगे तो बी लिखेंगे, सी लेंगे तो क्या हुआ सी लिखेंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड मिडिल टर्म टर्म कितना हुआ एफ मानते हैं किसका, और सी से लेंगे तो किसका होगा ए बी क्या आएगा, देखिए मेन फिगर इसका है, फिगर समझ गए तो आप समझ गए ए बी सी, अब जो है सी से लिया गया पॉइंट है इसको मान लेते एफ, अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जो एफ सी है लेंगे तो कैसे ट्रांसफर होगा, जहाँ बी है वहाँ ए आ जाएगा, जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा, अब देख रहे सी के अबाउट हो रहा है आपका, यहाँ क्या लेंगे ए, यहाँ क्या हो जाएगा बी, अब सी अपने स्थान पर रहेगा, बहुत इजी है ना, केवल आप ठीक है बना के समझ सकते हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा, हम बताने की कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, जैसे हम लोग डी थ्री लिए हैं तो डी थ्री में लिखेंगे कैसे हम लोग, आर जीरो आर 120 आर 240 और फिर क्या लिए एफ ए लिए थे एफ बी और एफ सी, इसका एक टेबल बना लीजिएगा आप, जैसे यहाँ पर आर जीरो है आर 120 है आर 240 है एफ ए है एफ बी है एफ सी है, अब क्या हुआ कि यहाँ भी लेंगे ये चीज आर 120 आर 240, यहाँ भी क्या हुआ एफ ए एफ बी सेम रहेगा, आई इससे अब कितना आर जीरो ही आएगा, जब इससे करेगा तो क्या हुआ आर 120 आएगा, इसमें सब सेम सेम लिख दीजिएगा आर 240 आएगा, ठीक है जीरो साथ में है तो एफ ए होगा एफ बी होगा और एफ सी होगा, जैसे इसके साथ करेंगे आर 120 आर जीरो क्या हो जाएगा आर 120 होगा, आर 120 आर 120 कितना हो जाएगा आर 240 होगा, क्लियर आर 120 आर 240 मिला कितना होगा आर जीरो बराबर होगा यानी 360 है ना, यहाँ पर आर 360 की जगह पर क्या लिखे हम लोग आर जीरो का यूज किया गया है, ताकि कोई कोई ऑथर इसको करता है कोई इसको करता है, हम इसको लेके चले हैं आर जीरो लेके चले, इसलिए आर जीरो लिख रहे हैं, अगर इसको लेके चलते आर 360 इसी को लिखते हैं हम लोग, इसी तरह से सब कॉलम को आप भर लीजिएगा है ना, और इसको बाद हम आपको क्या करेंगे कि कुछ इसका और एक अनदर फॉर्म था है ना स्क्वायर वाला साइमेट्रिक, स्क्वायर साइमेट्रिक हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसका एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे है ना, तब तक आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी का साइमेट्रिक किसका स्क्वायर का है ना, और उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।